In second class, 10th chapter, money, we will solve the problems, what problems related to money, okay? So, as the first question is solved here for us, Tanya had 64 rupees, her mother gave her 56 rupees more. Tanya ke paas pehle kitne rupees the? 64 the. Uski mummy ne usko 56 rupees aur diye. How many rupees did she have in all? So, apan ne kya kiya? तानिया के पास पहले 64 रुपीज़ थे, उसकी मदर ने उसको 56 रुपीज़ दिए, देन वी ऐड दिस अमाउंट, क्योंकि इसके पास अब कितने रुपीज़ हो गए हैं, 120 रुपीज़, ओके. नाउ सॉल्व एक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड. शिल्पा पेड 305 पैसे फॉर एन इरेजर एंड 245 पैसा फॉर अ टॉफी. हाउ मच मनी डिड शी पे टुगेदर. शिल्पा ने 305 पैसे दिए इरेजर के लिए, 245 पैसे दिए टॉफी के लिए, तो टोटल इसने कितने पे किए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 305 पैसे, 245 पैसे, ऐड कर दो इनको, 5 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, सो 550 पैसे, ओके, शी पेड टुगेदर. Now, Tom bought a bag for 186 rupees, a book for 49 rupees, and a pencil box for 27 rupees. How much money did he spend in all? सबसे पहले अपन लिखेंगे कितने रुपीस. सबसे पहले उसका बैग 186. Then next, a book of 49. Then last. अ बॉक्स पेंसिल बॉक्स ऑफ 27 रुपीज़. तो आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है, सबसे पहले राइट का कॉलम फिर लेफ्ट ऐसे करके, ओके. सो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, 2 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 1 कैरी, तो ये कितना हो गया, 262 रुपीस, ओके. नाउ क्वेश्चन 6. कोमल बॉट अ पेंसिल फॉर 75 पैसा. शी गिव अ 1 रुपी नोट टू द शॉपकीपर. हाउ मैनी पैसे डिड शी गेट बैक. तो इसमें क्या है, 1 रुपीज दिया, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो अपन ने इसको इधर लिखा 100 पैसा, क्योंकि ये 75 पैसा था, तो इसको पहले पैसे में कन्वर्ट किया, फिर पैसे को इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आया, 25 पैसा, ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. सोनिया हैड 50 रुपीज, शी बॉट एन इंक पॉट फॉर 70 रुपीज, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर. ओके, तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, 50 रुपीज सोनिया के पास, ओके. उसने क्या खरीदा, उसने उसमें से खरीदा 17 रुपीस का इंक पॉट, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17, कितना हुआ, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ओके. तो ये हो गया 10, इधर आ जाएगा 3, ये हो गया 4, इधर आ जाएगा 3, 33 रुपीस, ओके, लेफ्ट विथ हर. नाउ क्वेश्चन 8. सुनीता हैज़ 82 रुपीस, हर ब्रदर गेव हर, हैज़ ब्रदर गौरव हैज़ 25 लेस देन सुनीता. ओके, सुनीता के पास 82 है और उसके गौरव के पास कितना है, 25 लेस देन सुनीता, उससे 25 कम है सुनीता से. हाउ मच मनी डज गौरव हैव. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 82 लिखेंगे, 82 रुपीज़, उसके पास कितना, 25 रुपीज़ लेस है, यहाँ लिखेंगे 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 7, ओके, यहाँ पर 7 5 57 रुपीज़, ओके, 57 रुपीज़ गौरव है, ओके.